अस्सलाम वालेकुम लेवल 3। मैं आपकी टीचर समाना काजमी, फेल्कन हाउस ग्रामर स्कूल कैंपस साइंस से। उम्मीद करती हूँ लेवल 3 आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपना तमाम काम भी किताब में और कॉपी में मुकम्मल कर रहे होंगे। फ़िलहाल तो किताब में कोई काम नहीं हुआ है, कॉपी में ही शुरू हुआ है। हाँ, लेकिन आपको अपना सबक जो कि मीकात आखिर का पहला सबक था बेर बहूटी, वो आप लोगों ने लाजमी पढ़ना है और उसका काम जो अब तक हुआ है, मुश्किल अल्फाज हुए हैं, वो लाजमी आप लोगों ने कॉपी में करने, और जिसने अभी तक नहीं किए वो भी कर ले, ठीक है, उनवानी सफहात बनाने के बाद, ठीक है। लेवल 3 तो आज जो हम करने जा रहे हैं वो है सबक बेर बहूटी की तहरीरी तफहीम यानी के सवाल जवाब। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल जो हमारे पास आ रहा है वो है आप लोगों का सवाल, चूंदरा किसे कहते हैं। लेवल 3 एक और चीज़ मैं आप लोगों से कहना चाह रही हूँ कि आप लोगों ने लाजमी उन्हीं सवालात के जवाबात कॉपी में देना है जिसकी यहाँ पर वजाहत की जा रही है, उसके अलावा कोई सवाल मुझे आपकी कॉपी पर नहीं चाहिए, और काम सीक्वेंस से होना चाहिए जैसे बताया गया है। चूंदरा किसे कहते हैं। सहरा के लोग जिस झोंपड़े में रहते हैं वो अलग अलग शक्लों के बने होते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ अंदाज़ में बने होते हैं, और कैसे होते हैं, गोल होते हैं, ठीक है। तो उन झोंपड़ों को वहाँ के मकामी ज़बान में चूंदरा कहा जाता है, ठीक है। तो रेगिस्तान में मौजूद जो लोग वहाँ पर हैं उन्होंने अपने छोटे छोटे से घर बनाए, कच्चे होते हैं, इतने पक्के नहीं होते हैं क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर बारिश भी नहीं होती है सहराओं में, ठीक है। तो इसी तरीके से एक कच्चा सा उन्होंने मकान बनाया हुआ होता है गोल सी शक्ल का, तो उसको वहाँ के मकामी ज़बान में चूंदरा कहा जाता है। तो इस तरीके से आप लोगों ने इसका सवाल का जवाब अपने अल्फाज में बात को समझते हुए देना है। अब आ जाइए हमारा दूसरा सवाल कि सहरा के लोग बरसात में क्यों खुशियाँ मनाते हैं। तो ये बात आप सब लोगों को पता है कि सहरा में बारिश बहुत ज़्यादा कम होती है, यानी कि वहाँ पर बारिश बरसने का निज़ाम काफ़ी हद तक कम है क्योंकि सहरा में ज़्यादातर पानी नहीं पाया जाता। जिस जगह पे पानी ज़्यादा होता है ना वहाँ पर बारिश भी ज़्यादा होती है, ठीक है, यही पता है ना आप लोगों को। रिसाइकल जो होता है, ये वाटर साइकिल जो निज़ाम चलता है बारिश का, तो उस तरीके से सहरा में बारिश कम होती है क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा पानी नहीं पाया जाता, तो फिर वो सिस्टम नहीं ज़्यादा वर्क करता और बारिश थोड़ी कम होती है। इसीलिए वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा खुशियाँ मनाते हैं जब भी कभी वहाँ पर बारिश बरसती है। माहौल ही अलग होता है उस सहरा का जब भी वहाँ पर कभी बारिश बरस जाए, ठीक है। तो अब चलिए हमारा तीसरा सवाल है हमारा, बेर बहूटी क्या होती है, ठीक है। हमारा तीसरा सवाल है बेर बहूटी क्या होती है। तो ये सबक ही पूरा बेर बहूटी पर है। अब आपने बताना उसके बारे में कि होती क्या है। सबसे पहले तो ये कि सुर्ख मखमली कीड़ा, बेर बहूटी एक सुर्ख मखमली कीड़ा जो कि बहुत नरम और नाजुक होता है, जिसकी शक्ल मकड़ी की तरह की होती है, ठीक है। इसके अलावा बेर बहूटी की एक और किस्म भी होती है जिसके जिस्म पर सुर्ख स्याह गोल दायरे होते हैं, ठीक है। तो ये एक किस्म और होती है बेर बहूटी की। इसके अलावा बेर बहूटी को बरसाती कीड़ा भी कहा जाता है क्योंकि वो उसी वक्त सहरा में निकलती है जब कभी बारिश बरसती है। तो बेर बहूटी क्या होती है, बेर बहूटी सुर्ख मखमली कीड़ा जो कि बहुत ही नरम व नाजुक होता है, जो कि बरसात के मौसम में सहराओं में निकलता है, और तकरीबन हर सहरा में बेर बहूटी का कीड़ा पाया जाता है जिसकी शक्ल मकड़ी जैसी होती है, ठीक है। इस तरीके से आपने इसका प्रॉपरली आंसर देना है। अब लास्ट क्वेश्चन हमारा है, बेर बहूटी से अल्लाह ताला की कुदरत कैसे ज़ाहिर होती है। तो ये एक छोटा सा मखमली कीड़ा,
एक बरसाती कीड़ा, मकड़ी की जैसे दिखने वाला कीड़ा। लेकिन अल्लाह मियाँ ने इसके अंदर बहुत से फ़वायदे रखे हुए हैं। सबसे पहले तो ये कि बहुत सी दवाइयों में इस्तेमाल होती है बेरबहूटी। इसके ज़रिए एक तेल बनाया जाता है जिसमें बहुत शिफा रखी है खुदा ने। जोड़ों के दर्द में वो तेल इस्तेमाल होता है, जैसे कभी किसी के घुटनों के जोड़ में दर्द हो गया, हाथों के उसमें जोड़ों में दर्द हो गया, तो यानी कि बॉडी के किसी भी जॉइंट में जहाँ भी पेन है वहाँ पर ये तेल लगाया जाए तो शिफा हासिल होती है। ठीक है, तो इस तरीके से अल्लाह मियाँ ने इसके अंदर बहुत सी शिफा रखी है। इसके बहुत से फ़वाइद हैं, दवाइयों में इस्तेमाल की जाती है, तेल बनाया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से अल्लाह मियाँ ने, अल्लाह मियाँ की कुदरत इसमें ज़ाहिर हो रही है। आप लोगों ने इस तरीके से इसका जवाब देना है कि बेर बहूटी के ज़रिए बहुत सी दवाइयाँ बनती हैं और अल्लाह मियाँ ने इसके तेल में भी बहुत शिफा रखी है, क्योंकि उसके तेल के ज़रिए जोड़ों के दर्द से निजात हासिल होती है। ठीक, मैंने आपको प्रॉपर इसको वाज़े कर दिया, अब आप इसको अपने अल्फाज में लिखेंगे, सही है लेवल 3। लेकिन कोशिश यही कीजिएगा कि आपके अपने अल्फाज हों। सवालात के जवाब तकरीबन किताब में मौजूद हैं, लेकिन मुझे हमेशा की तरह अपनी अल्फाज में ही सवालात के जवाब चाहिए जो कि आप लोग लिखेंगे। लेकिन सवालात के जवाब देने से पहले सिर्फ इस वीडियो को नहीं देखना है, वीडियो देखने के बाद आप लोगों ने लाजमी सबक की बुलंदखानी भी करनी है, ताकि आप बहुत अच्छे तरीके से सवालात के जवाब को दे सकें। ठीक है, अब लेवल 3 देख लीजिए, घर का काम क्या है आप लोगों का, आप लोगों ने घर से क्या करके लाना है। आप लोगों ने सबसे पहले तो सबक की बुलंदखानी करनी है, और इन चारों सवालात के जवाब जो मैंने वजाहत जिनकी की है उन्हें आप लोगों ने कॉपी में लिखना है। कैसे? सबसे पहले इंडेक्स में 10 होगी, तहरीरी तफहीम डेट लिखी जाएगी इंडेक्स में। फिर मुश्किल अल्फाज अभी तक हो चुके हैं, आप अगले सफ़े पे हेडिंग डालिएगा तहरीरी तफहीम की, और इन चारों सवालात के जवाब दीजिएगा। ठीक है, और अगर कुछ नहीं समझ आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।